हेलो दोस्तों, मैं आशीष हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो पिक्सेल एक्सपीरियंस प्लस रोम को अपने रेडमी नोट 7S में। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि मैंने वीडियो में प्रोसेस को शुरू कर दिया है। मैं पहले वाइप में गया था और मैंने अपने डेटा डेलवे कैश को वाइप कर दिया और उसके बाद दोस्तों मैंने पिक्सेल एक्सपीरियंस रोम को जिस जगह पर डाउनलोड करके रखा था मैं वहाँ पर जाकर उसे सेलेक्ट करके स्वाइप करके डायरेक्ट इंस्टॉल कर रहा हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हो कि मैं ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी को इंस्टॉल करके रखा हूँ और वो सबसे बढ़िया रिकवरी है अगर आपको इस रोम को इंस्टॉल करना है। दोस्तों आप TWRP से भी इस रोम को इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन अभी जो स्टेबल और सबसे बढ़िया रिकवरी है वो यही है, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी। तो दोस्तों इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड करके रिकवरी को इंस्टॉल कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहो तो फिर आप DM वेराइटी फोर्स एनक्रिप्ट वाली फाइल को भी इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपको अपने डिवाइस को एनक्रिप्ट नहीं करना है, लेकिन दोस्तों इससे आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर काम नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों सारी चीज़ें होने के बाद आप मैजेस को भी इंस्टॉल कर सकते हो अगर आप चाहो तो रूट करने के लिए, और आप डायरेक्ट रिबूट करेंगे तो फिर आपका डिवाइस इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सारी चीज़ें यहाँ पर अभी ठीक ठाक काम कर रही है। इस रोम का मैं एक फुल रिव्यू बनाऊंगा। हो सकता है कि दोस्तों अगर मैंने उसका वीडियो बना दिया तो इस वीडियो के आखिरी में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आपसे वो वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि मैंने उस वीडियो में पूरा का पूरा रिव्यू बताया है इस रोम का, इस रोम में कौन कौन सी चीज़ें ठीक से काम करती है, कौन कौन सी चीज़ें इस रोम में ठीक से काम नहीं करती है। तो दोस्तों उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों अगर मैं आपको जल्दी से बताऊं तो फिर अभी इस रूम में सब कुछ ठीक से काम करता दिख रहा है मुझे, इसमें कोई मुझे दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन दोस्तों आप फुल रिव्यू ज़रूर देखें। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।